हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, दिस इज श्री हरि सर एंड वी आर लर्निंग द थीप स्टोरी। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो लेक्चर। माय डियर स्टूडेंट, येट यू हैवंट वॉच द वीडियो, देन यू कैन वॉच द वीडियो थ्रू अवर प्लेलिस्ट। तो शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द थीप स्टोरी। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम buying the day's supplies. Usually making a profit of about a rupee a day, I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. जब नरेटर सामान परचेस करने के लिए जाता था, तब वो हर एक दिन में एक रुपये का प्रॉफिट तो बना ही लेता था। इसका मतलब क्या कि जब भी वो कुछ चीज़ें परचेस करने लगता था तो उसमें से एक रुपया निकाल कर अपने जेब में रख देता था। ये अनिल को बिना बताए वो सब कुछ करता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे। चोर को लगता था कि अनिल को सब पता है कि मैं ऐसा करके पैसा क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन अनिल को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं थी, वो इस मामले में अपना ध्यान नहीं देता था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ही वुड बोरो वन वीक एंड लेंड द नेक्स्ट। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग। माई डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अनिल जो है वो फिट्स एंड स्टार्ट्स करके मनी बनाता था। व्हाट इज़ मीन बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स? इन शॉर्ट, इरेगुलर इंटरवल्स। मतलब उसका जो इनकम का सोर्स था वो कुछ रेगुलर नहीं था, है ना। वो एक हफ्ते के लिए कुछ किसी से उधार लेता था और फिर दूसरे हफ्ते जैसे पैसे आते हैं तो वो उधार चुका देता था। ही केप्ट बोरोइंग आउट इन नेक्स्ट चेक, और हमेशा वो अपने आने वाले चेक की क्या करता था, राह देखता था। बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। और जैसे ही उसको चेक मतलब पेमेंट पेमेंट मिल जाता है तो वो क्या करता है, पैसे लेके सेलिब्रेट करने लगता है। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन। इससे हमें यह बात पता चलती है कि अनिल जो है वो मैगजीन के लिए लिखने का काम करता था। और अनिल के पैसे कमाने का और जीवन जीने का ये तरीका देखकर जो हमारा चोर है, नैरेटर है, उसको बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता था। क्वीर मतलब स्ट्रेंज, उनके जीवन जीने का मतलब अनिल के जीवन जीने का तरीका जो चोर है उसको बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता था। वन इवनिंग ही केम होम विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। At night, I saw him tuck the money under the mattress. My dear student, यहाँ पे थीप कह रहा है कि एक शाम को मैंने अनिल को अपने हाथों में नोटों के बंडल को लेकर आते हुए देखा, और अनिल कह रहा था कि अभी अभी उसने उसकी एक किताब एक पब्लिशर को बेच दी है। इससे हमें यह पता चलता है कि अनिल मैगजीन के लिए लिखता था या फिर वो एक राइटर था। At night I saw him tuck the money under the mattress. Mattress मतलब उसका जो सोने का बेड होता है उसके ऊपर जो गद्दी है उसके नीचे अनिल क्या कर रहा था, पैसों को छुपा रहा था। तो चोर कह रहा है कि मैंने अनिल को पैसों को अपने बेड के गद्दे के नीचे छुपाते हुए देखा। I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so, and Anil had given me a key to the door, and I could come and go as I pleased. I was the most trusting person I had ever met. चोर कह रहा है कि आज तक पिछले एक महीने से मैं अनिल के साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने शॉपिंग में सिर्फ एक रुपए की रोज़ाना चोरी करने के अलावा कोई बड़ी चोरी या फिर बड़ा धोखा अनिल को अभी तक नहीं दिया था। और
ये जो मेरे काम करने का तरीका बदल गया है, ऐसा मेरा काम करने का, चोरी करने का तरीका कभी नहीं रहा है, ऐसा हमें चोर कह रहा है। चोर ये भी कहता है कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, ऐसी तो बात ही नहीं है, क्योंकि अनिल ने तो मुझे घर के एक दरवाजे की, एक रूम की चाबी दे दी थी और मैं उस रूम में जब चाहे आता था और जब चाहे जाता था। लेकिन अनिल जो है मुझ पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता था, इसीलिए ऐसे भरोसा करने वाले व्यक्ति के घर पे चोरी करना मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जा रहा था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हीम। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू रॉब, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। समटाइम ही डजेंट इवन नोटिस ही इज़ बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। चोर ये कह रहा है कि अनिल के इतने विश्वास करने के स्वभाव की वजह से ही अनिल के घर पे चोरी करना उसको डिफ़िकल्ट जा रहा था। चोर की नज़र में दो तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा ग्रीडी होते हैं मतलब लालची, तो कुछ लोग केयरलेस होते हैं। अब ग्रीडी पर्सन जो है उनके घर पे चोरी करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता क्योंकि वो चीज़ों को संभाल के रखते हैं, और अगर उनके यहाँ पे चोरी की तो उनको ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता, उन सब चीज़ों को वो क्या करते हैं, अफोर्ड भी कर सकते हैं, फिर से हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो केयरलेस लोग होते हैं उनके यहाँ पे हमने चोरी की तो उनको पता भी नहीं चलता, अरे मेरे यहाँ पे तो चोरी हो गई है, और इसके वजह से चोरी करने का सारा मज़ा ही निकल जाता है, ऐसा चोर यहाँ पे कह रहा है। सो माय डियर स्टूडेंट, इन दिस पैराग्राफ वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द एटीट्यूड ऑफ द थीफ। जो चोर है उसके एक चोरी करने के अंदाज का हमें इसके बारे में पता चलता है। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस स्टोरी। फॉर टुडे दिस मच ओनली। रिमेनिंग स्टोरी वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।